देखिए, सबसे पहले हम लोग अभी जो झारखंड में ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे 60-40 की नियोजन नीति है और उसको लेकर जो आह्वान किया गया है झारखंड स्टूडेंट स्टेट स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से, उसको लेकर की रणनीति है कि भाई आखिर इतना 3 दिन का आह्वान है, उसे पॉजिटिव वे में किस प्रकार सफल किया जाए, किन किन लोगों से सहयोग मांगा जाए, किस प्रकार से लेटर जारी किया जाए, तो उस पर हमारी बातचीत हुई। और 1%, क्योंकि जाहिर सी बात है आंदोलन को अगर आप पॉलिटिकल रिफॉर्म के बारे में नहीं सोचते हैं तो इस राज्य को भी नुकसान होता है, देश को भी नुकसान होता है। तो इसलिए 1% इस विषय में भी बात हुई कि यदि सरकार नहीं मानती है, यदि सरकारें झुकती नहीं है, अगर इसी प्रकार इनका रवैया अगर हुणमुट और मैंने हट धर्मिता बनी रहे तो जाहिर सी बात है आज जो भीड़ सड़कों पर आई है, जो आवाम सर पे लाठियां खा रही है, लहूलुहान हो रही है, उसे कहीं ना कहीं 2024 में उस भीड़ को वोट में तब्दील करने का प्रयास किया जाएगा, उस पर भी हल्की सी बातचीत हुई है। देखिए, मैंने स्पष्ट शुरू से कहा है कि हम लोग छात्र हैं, चाहे मनोज यादव रहें, देवेंद्र नाथ महतो रहें या फिर जो अन्य साथी हैं, या मैक्सिमम पढ़ने वाले सभी छात्र हैं, ये छात्र राजनीति किए हैं, न जाने दर्जनों दर्जन फॉर्म भरने का काम किया है और अभी भी जितने भी लगभग आए हैं 75% जो स्टूडेंट हैं वो फॉर्म भरने वाले ही हैं। लेकिन जो देख पा रहे हैं, जैसा लगातार हमारी नौकरियों को अगर बाहर के लोगों को बेचा जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में सड़क में ही अगर विरोध करते रह जाएंगे तो शायद लोग नहीं सुनेंगे, इसलिए सदन में जाने का विकल्प तराशना चाहिए। तो सदन में जाने का विकल्प, उसकी चर्चा हुई और इस दरमियान हम लोग जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, पूरे राज्य में आंदोलन कर रहे हैं, तमाम संगठनों के माध्यम से कर रहे हैं, उनको सभी को साथ में लेने के लिए उनको एक पत्र जारी किया जाएगा और स्पीड पोस्ट के माध्यम से उन तक सूचना संप्रेषित की जाएगी कि आप अपना आशीर्वाद हेतु हम लोग का जो युवा है जो आज कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं, लगातार झारखंड के मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, उनका समर्थन करें और 2024 की एक वैकल्पिक तैयारी की तैयारी करें। देखिए, फिलहाल हमारी रणनीति हुई जो हम लोग का झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है, इसे एक जो केंद्रीय कमेटी जो अभी तक फिलहाल मैंने कोयलांचल के क्षेत्र में सक्रिय रूप में कार्य कर रही थी, आज इसे विभिन्न प्रमंडलों के लगभग 5 प्रमंडलों के नौजवान यहाँ आए, शायद पलामू छूटा था, तो उसके बाद ये हमारी रणनीति बनी और कि बाकी जो प्रमंडल हैं, बाकी जो हमारे जिले हैं, वहाँ तक इस आंदोलन की धार को कैसे लेकर जाया जाए, वहाँ तक लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए कि आखिर राज्य में हमारे साथ जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई कैसे हो। तो कुल मिलाकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जितने भी नौजवान हैं और जो भी अन्य प्रमंडलों से चलकर आए हैं, वो एक संकल्प के तौर पर इसका आज की जो विचारधाराएं हैं उसे अपने गाँव तक लेकर जाएंगे और उसी क्रम में आज हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, लातेहार, आपका गुमला, रामगढ़ तो खैर हमारा मेन पॉइंट अभी रहा है, कोल्हान के तीनों जिलों से आए हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, जामताड़ा, गोड्डा, कुछ जिले छूटे हैं जो कि सच्चाई है। तो कुल मिलाकर जो हम लोग का आंदोलन चल रहा है, जो भी मुद्दे हैं और इनको अब ड्राफ्टिंग करने की तैयारी है, हमें भी आप नियम कानून के साथ कागजी कलम के साथ लयबद्ध होकर आंदोलन करने के लिए हम लोग आप तरह तरह की टीमों का जो जांच पड़ताल के बाद संगठनिक रूप से काम करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध होने के लिए एक नई रूपरेखा तैयार करने के लिए आज बैठे थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।